यादव बहुत मेहनत किए, कमर चोट भी लग गया, लेकिन सीट आ रही है जीरो। सर एक मिनट सर, तेजस्वी छत्तर के बाद पीएम को मार्गदर्शक मंच होके चले जाना चाहिए। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 75 के बाद पीएम को मार्गदर्शक मंडली में चला जाना चाहिए। पहला सवाल के जवाब हुआ नहीं, दूसरा यही चलता है। ठीक है ठीक, सब सीनियर रिपोर्टर फिर से पूछिए सर। ये आलमगीर आलम को ईडी ने सर गिरफ्तारी किया तो नहीं आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ निकला था। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा, तो पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है। अगर गिरफ्तारी हुई है ये कैसे होगा भैया, झारखंड में नहीं ना। और बिहार के कुछ नेता मेरा डर रहे हैं, ये क्या बात है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इंडी का गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं बाहर से समझे कह रही है ना जी, कितना बताएगा। एक बात तय है, जिस तरह सूरज का उगना तय है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है, उसमें कोई शक्ति गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अगली बार 400 के पार जाएंगे। हर चुनाव में कुछ लोग ऐसे संस्थान हैं जो हवा बनाते हैं, ये फेज अच्छा नहीं रहा, वो फेज अच्छा नहीं रहा। अभी तक हम लोग पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं 4 फेज में, अब तो उस पर ऊपर सीटें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं, कोई शक्ति गुंजाइश नहीं है। 4 फेज में ही बहुमत मिल गया, अब तो जो 3 फेज है उसमें 400 के पार नहीं आया है। सर तेजस्वी यादव आजकल हर बात पे माई और बाप बहुत दूर, अब भाजपा को और महंगाई को माई बाप बोल रहे हैं। पहले कहते थे माई बाप की सरकार है, तो इस तरह की भाषा वो बोलते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत मेहनत किए, कमर में चोट भी लग गया, लेकिन सीट आ रही है जीरो। तो जीरो सीट जब आ रही है सर, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 50 है वो संविधान को खत्म नहीं करना चाहते, आतंक को खत्म। राहुल गांधी देखिए, संविधान तो संविधान के ऊपर सर रखकर नरेंद्र मोदी जी ने सर झुकाकर शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। संविधान न खतरे में था, न है न रहेगा। संविधान में संशोधन को ज्यादा कांग्रेस ने किया था, हम लोग तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। संविधान है और रहेगा। सर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 75 साल के बाद पीएम को मार्गदर्शक मंडली में चले जाना चाहिए। लालू जी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, तब तो कुछ नहीं बोल रहे। तेजस्वी यादव भूल जाते हैं पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी हैं, वो भी उम्र दराज है। मोदी का अपमान करते करते वो लालू जी का अपमान करने लगते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 4 जुलाई का धरवा देते हैं, चिल्लाते हैं ऊपर से मारा पकड़ा दो आइए। शिवसेना बचेगा, फिर कमान बचाऊंगा, एक सांसद बनने वाला है, अब वो भविष्यवाणी मोदी जी पे कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 0 पे आउट हो जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी।